फ्रेंड्स, जियो ने आज फाइनली एक प्रेस रिलीज करके क्लियरली ये बता दिया है कि अगर आप जियो नंबर से किसी अदर नंबर पे कॉल करते हो तो आपको 6 पैसे पर मिनट पे करने होंगे, और इसके लिए उन्होंने अलग से प्लान्स भी लॉन्च कर दिए हैं। यानी जो आपके पहले से प्लान्स हैं वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा अदर नंबर्स के लिए आपको अलग से रिचार्ज करवाना होगा। तो दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जियो को ऐसा करना पड़ा, और क्या है जियो के ये नए प्लान्स, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वो प्रेस रिलीज जो जियो ने आज लॉन्च की है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगर अब आप जियो से किसी अदर ऑपरेटर पे कॉल करोगे तो आपको 6 पैसे पर मिनट पे करने होंगे। तो यहाँ पे जियो ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जियो से अदर नंबर पे कॉल करोगे तो आपको 6 पैसे पर मिनट पे करने होंगे। तो ये 6 पैसे पर मिनट कौन से चार्जेज हैं, पहले क्यों नहीं लिए जाते थे, अब क्यों लिए जाएंगे, तो यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है इन्होंने। ये जो चार्जेज हैं वो IUC चार्जेज हैं, यानी इंटरकनेक्टेड यूसेज चार्जेज। और ये चार्जेज वो चार्जेज होते हैं जब जैसे हम जियो से किसी अदर ऑपरेटर पे कॉल करते हैं, मान लिया हमने जियो से एयरटेल पे कॉल की, तो एयरटेल वाले जियो से 6 पैसे पर मिनट चार्जेज लेते हैं, और ये IUC चार्जेज होते हैं, और ये ट्राई निर्धारित करता है। तो अब तक जियो ये अपनी जेब से देता हुआ आ रहा था लास्ट 3 ईयर्स से, बट अब आगे से जियो ये हमसे पे करवाएगा। तो अगर आप इस प्रेस रिलीज में नीचे की तरफ जाओगे तो ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये जो IUC चार्जेस हैं ये 1 जनवरी 2020 से जीरो कर दिए जाएंगे, और जैसे ही ट्राई इनको जीरो कर देता है तो जियो भी ये जो 6 पैसे पर मिनट हमसे लेगा ये लेना बंद कर देगा। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे हैं, जैसे ट्राई जीरो कर देगा IUC चार्जेस को तो जियो भी ये 6 पैसे पर मिनट चार्जेस लेना बंद कर देगा। अगर आप इस प्रेस रिलीज में नीचे की तरफ आओ तो जियो ने ये बताया हुआ है यहाँ पे कि लास्ट 3 ईयर्स से इन्होंने अदर ऑपरेटर्स को 13,500 करोड़ रुपए पे किए हैं एज IUC चार्जेस, यानी 13,500 करोड़ रुपये IUC चार्जेस के रूप में अदर ऑपरेटर्स को इन्होंने दिए हैं लास्ट 3 ईयर्स से, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था, इसी वजह से ये 6 पैसे पर मिनट चार्जेस जियो ने लगाए हैं। अगर आप नीचे की तरफ और जाओगे तो यहाँ पे जियो ने ये भी बताया हुआ है कि जियो नंबर्स पे 25 से 30 करोड़ डेली मिस कॉल्स आती हैं अदर ऑपरेटर्स से, उसके बाद जियो यूजर्स इनके पास कॉल करते हैं, तो ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। और अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो जो अब आपको रिचार्ज करने पड़ेंगे अदर ऑपरेटर्स पे कॉल करने के लिए वो प्लान्स दिए गए हैं, अगर आप इनमें से कोई प्लान नहीं लेते तो आप अदर ऑपरेटर्स पे कॉल नहीं कर पाओगे, तो आपको इनमें से कोई ना कोई प्लान लेना ही पड़ेगा। तो पहला जो इनका प्लान है वो है 10 रुपये का, जिसमें आपको 124 IUC मिनट मिलेंगी, यानी नॉन जियो नंबर्स पे आपको कॉल करने के लिए जो मिनट्स मिलेंगी, और आपको 1 GB डेटा मिलेगा। इनका जो दूसरा प्लान है वो है 20 रुपये का, और उसमें आपको 249 मिनट मिलेंगी और 2 GB डेटा मिलेगा। तीसरा जो प्लान है वो है 50 रुपये का, जिसमें आपको 656 IUC मिनट्स मिलेंगी और 5 GB डेटा मिलेगा। चौथा जो प्लान है वो है 100 रुपये का, जिसमें आपको 1362 IUC मिनट्स मिलेंगी और 10 GB डेटा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अदर ऑपरेटर्स पे कॉल करनी है तो आपको इनमें से कोई ना कोई प्लान लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अदर ऑपरेटर्स पे कॉल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, यही था आज के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हाँ, अपने दोस्तों अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जियो के नए प्लान्स के बारे में पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।